अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज फिर आपको लेके आ चुके हैं झेलम। और यहाँ पर हम आपको आज सैर करवाएंगे किला रोहतास की। ये प्यारा झेलम है जहाँ पहाड़ियाँ और खूबसूरती आप देख सकते हैं। क्या ग्रीनरी है यार, पंजाब का हर शहर ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आज झेलम की पहली मशहूर जगह रोहतास चलते हैं और बात करते हैं वहाँ पे जाके। हम अब पहुंच चुके हैं किला रोहतास पे। ये अजीम शान जो आप किला देख रहे हैं इस वक्त, ये जनाब शेरशाह सूरी साहब ने बनाया था जब उन्हें मुग़ल एम्परर हुमायूं से शिकस्त हुई एक जंग में, उसके बाद इसको तामीर किया गया। इस किला की खसूसियात में से एक खसूसियत यह भी है कि इसकी दीवारें 4 किलोमीटर लंबी हैं और बहुत ही मज़बूत बनाई गई थी। रोहतास फोर्ट के 12 दरवाज़े हैं और 3 इसके अंदर कुएं थे, जिसमें से एक बड़ा कुआं और बाकी दो अदद छोटे कुएं थे। ये इसको मिलिट्री कंटोनमेंट कहा जा सकता है। इसके अंदर रहायशें नहीं थी, ये सिर्फ फ़ौज के लिए बनाया गया था। इसके बनने के तकरीबन 40 साल बाद इसके अंदर रहायश बनी 2 अदद, एक हवेली मानसिंह और दूसरा रानी का महल, वो भी उसी टाइम पे बना। छोटे कुएं वो तो नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन एंड में आपको जो बड़ा कुआं है वो आपको ज़रूर दिखाएंगे, जो कि मेन कुआं था इसका, इस कंटोनमेंट का। बड़ा ही छोटा जगह। हाँ जी, रोहतास फोर्ट में हम अभी जा रहे हैं शाह चांद वाली गेट की तरफ। और जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि शेरशाह सूरी साहब ने इसको 1541 में बनाना शुरू किया और 7 साल के कलील अरसा में 1548 में इसको कंप्लीट तौर पे तामीर कर दिया गया था। उसके बाद 1997 में इसको इंटरनेशनल हेरिटेज डिक्लेयर किया गया और ये यूनेस्को की इंटरनेशनल हेरिटेज है अब और विरसा है। ये देख सकते हैं आप, मुझे पता है 7 साल के अरसे में इसको बनाया गया है, जिसमें आप चेक करें कि 4 किलोमीटर लंबी इनकी दीवारें हैं, तो बहुत ही तेज़ काम हुआ होगा। आप इसी से अंदाज़ा ला सकते हैं उस वक्त कौन सा कोई एक्सकेवेटर्स या मशीनें थी, लेकिन फिर भी इतनी तेज़ी से काम किया गया। अच्छा चलें, अब हम सबसे पहले इसमें चलते हैं रानी महल में और आपको दिखाते हैं रानी महल। सांस मेरा फूल चुका है क्योंकि पहाड़ियाँ हैं, तो अच्छा जी, जो रानी महल है ये ओरिजिनल जो फोर्ट था उसका हिस्सा नहीं था, ये बाद में हिंदू नक्शे तामीर के तहत बनाया गया है, लिहाजा ये बाद में इसको एड ऑन किया गया था, लेकिन ये शेरशाह सूरी ने जो किला बनाया था उसका ये हिस्सा नहीं था। ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है और आपको मैं ये दिखा सकता हूँ, ये अब इसके यही रिमेनिंग्स बाकी रह गए हैं। और ये हिंदू चेक कर सकते हैं, टेंपल नुमा शक्ल में ये बना हुआ है, तो अच्छा जी ये है रानी महल का अंदरून अंदरला पार्ट। ये इसके यानी के इधर बैठने के लिए
ये जगह है। और ऊपर आप जैसे कि देख ही सकते हैं, इसके ऊपर एक स्लैब डली हुई है, इसके ऊपर एक बिल्डिंग है, वो ये है। ये था जी टोटल रानी महल। वो है जनाब हवेली मानसिंह। हवेली मानसिंह जो कि अकबर बादशाह के एक जनरल थे, मानसिंह उनके नाम पर है। ये ओरिजिनली 2 स्टोरी बिल्डिंग थी, जिसमें एक स्टोरी अब कोलैप्स कर गई है, तो कुछ पार्ट्स ही उसके बचे हैं, जिसको अब हम आपको दिखाएंगे। ये है जी हवेली मानसिंह। राजा रियाज, राजा या साजद रियाज, इस तरह कुछ नाम लिखेंगे। पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाहर नहीं आएंगे। ये हालांकि इंटरनेशनल एक हेरिटेज है, लेकिन हमने सारी तरफ इसकी दीवारों पर लिखकर साबित किया हुआ है कि हम पाकिस्तानी हैं। ये है जनाब यहाँ का फांसी घाट। चलें अब आपको दिखाते हैं चल के फांसी घाट। लुक एट दैट यार, आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है इधर का। और बड़ी मुश्किल से ही जा होगा इधर। ये जनाब फांसी घाट है, साथ उसके जेल है। और ये देखें, यहाँ से एक सुरंग बनाकर, और ये बाहर नज़र रहने के लिए ना, उसके नीचे वाला पोर्शन मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ये देखें, ओह वाह, इधर से यहाँ पर खड़े होके बाहर पर नज़र रखी जाती थी किले से। और ये एक समझ लें आप खुफिया रास्ता भी था। ओह, चलिए अब ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं फांसी घाट। ट्रिप वगैरह आए हुए हैं इधर काफी। ओह ओह, सीढ़ियां बड़ी ही, ओह हो, हाँ ओए ओए, हाँ चला है नहीं। ओह व्हाट ए ब्यूटी, ओह बहुत ज्यादा गहरा है यार यहाँ से। ये दीवार पे चलने के लिए, ये देखें ना, साथ साथ सीढ़ियाँ
सीढ़ियाँ हैं, हर थोड़ी अरसे के बाद सीढ़ियाँ आ जाती हैं, और ये एक टोटल दीवार के साथ चलते जाएं एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। चेक इट, कितना ये ऊपर उठा कर और दीवार के साथ ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो कि बहुत ही जिसे ये कह रहे हैं, जैसे क्लेम ये कर रहे हैं पहले कि ये फौजी पर्पस से बनाया गया था। ये देखें, ये पानी पानी निकलने के लिए सुराख बनाए गए हैं ताकि पानी ना खड़ा हो यहाँ पे ऊपर। और ये देखें आगे फिर सीढ़ियाँ आ गई हैं, फिर ऊपर जा रहे, कभी ये दीवार ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, थ्रू आउट इसी तरह इसके साथ साथ प्लेटफॉर्म चलता जाएगा। दरवाज़ों के अलावा भी साथ कुछ गेट रखे गए थे खुफिया, ताकि भागने वगैरह में भी काम आ सकते हैं, और दीवार के साथ ही कुछ जेलें बनाई गई थी ताकि अगर कोई दीवार से पकड़ा जाए तो उसको वहाँ पर बंद किया जा सके। जैसे ये देखें, ये एक फिर जेल आ गई है। ये जेल है, और ये दीवार के साथ ही बनाई गई है, थ्रू आउट इसी तरह ही है। इस गेट का नाम है शाह वाली गेट, और ये है कब्र शाह वाली साहब की, ये इन्हीं के नाम पर इस गेट का नाम रखा गया है। इनके बारे में ये लिखा गया है कि इन्होंने इस गेट की तामीर में हिस्सा लिया और इसकी मजदूरी भी नहीं ली और फ्री ऑफ कॉस्ट किया। ये अल्लाह वाले लोग थे, इसलिए बाद में इन्हीं के नाम पर इस गेट का नाम रख दिया गया शाह वाली गेट। अच्छा जी, ये हम बाहर आ चुके हैं, और ये गेट है तिल्ला जोगियाँ की तरफ जा रहा है, और ये अब आपको गेट दिखाते हैं। ये गेट, इस गेट का नाम है सुहेल गेट। ये गेट जो है, ये एक बुज़ुर्ग सूफ़ी थे सुहेल गाजी, उनके नाम पर रखा गया है इस गेट का नाम। उनका मज़ार जो है वो गेट के, आप इस साइड से तिल्ला जोगियां वाली साइड से हैं तो लेफ़्ट साइड पे उनका मज़ार है इस गेट के अंदर। यानी कि ये गेट है और ये इनका मज़ार है, सुहेल गाजी का मज़ार। अस्सलाम। ये देखें, एक क्या प्यारे तरीका है। ये गेट का गेट है और गेट के अंदर मजार है। अस्सलाम। छोटा सा मैदान है। ये किला जी आज तो 500 साल पुराना है। सही। बनाने वाले का नाम है शेरशाह सूरी, असल नाम से फरीद खान, इलाका सौर गानी पठान था। ये बनाने का मकसद उसका ये था कि ये जो एरिया था ना, ये कक्कड़ राजे कियानी, ये सारे मुगलों के पैरोकार थे। इनकी सारी जो भी खेमा थी वो मुगलों के साथ थी, तो इसके मुखालफ था ये। इसलिए ये इनको कंट्रोल करने के लिए है भी, ये बड़े बहादुर लोग थे, जितने काफले छावले आते थे उनको लुटा डालने, उनको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली बनाया। बेसिकली ये आर्मी छावनी है, किले में बिल्डिंग कोई नहीं है, ये बाउंड्री वाल ही है। 4 किलोमीटर इसकी बाउंड्री वाल, 12 इसके गेट है दरवाजे। ये जी बादशाही मस्जिद,
लाहौर वाली बादशाही मस्जिद सेम है। अब मैं आपको लेके आ गया हूँ कुएं वाले गेट पर। सामने वो गेट है और इसके साथ एक मुंसलिक है बहुत ही बड़ा कुआं, ये आप देख सकते हैं। ये रहा कुआं और इसके साथ आपको एक मज़ेदार सी चीज़ और भी दिखाता हूँ। हमारे चैनल पे मज़ेदार चीज़ें ही देखेंगे। जो सीढ़ियाँ हैं ये पूरी कुएं की डेप्थ तक जाती हैं, जैसा कि आप ये सीढ़ियाँ पूरे कुएं के अंदर उतरने के लिए हैं। 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं इसकी, और वो जो आपको मैंने उस साइड से कुआं दिखाया था ये उसके अंदर आपको ले जाएंगे। देख सकते हैं कितना मज़बूत इसको बनाया गया है, साइड पे प्लेटफॉर्म्स हैं और ये देखें हम कितना। अंदर वो ये देखें ऊपर यहाँ पर और फिर इससे ऊपर यहाँ पे एक छत डाली गई है। और ये था पौली वाला दरवाजा गेट। मुझसे दोबारा ऊपर नहीं था आया जाना, जितना मुझे सांस चढ़ गया इसलिए मैं बिल्कुल नीचे नहीं गया। वैसे इधर से आपको दिखा देता हूँ, ये सीढ़ियाँ सारी नीचे तक जाती हैं। फोर्ट ये जनाब बिल्कुल रोहतास फोर्ट के सामने ये बना हुआ है, मकबा खैरुन्निसा। इसके अंदर से जो कहते हैं ये कादर बख्श साहब थे, शेरशाह सूरी के फूड मिनिस्टर, जो कि इस रोहतास फोर्ट को बनाते हुए लंगर का इंतज़ाम करते थे, तो उनकी बेटी का ये मकबरा था, जो कि बाद में उनकी कब्र यहाँ से शिफ्ट कर दी गई बिहार इंडिया में। अब ये सिर्फ़ एक मॉन्यूमेंट खड़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर कब्र नहीं है और ये बिल्कुल खाली है। आपको अंदर से भी दिखाते हैं। इसके सामने एक गेट भी है, उसको खैरुन्निसा गेट भी कहा जाता है। तकरीबन 7,000 बंदा काम करता था एक टाइम पे यहाँ पर इसके ये फोर्ट बनाने में, और फिर भी उसको 7 साल लग गए थे। तो बहुत ही बड़ा एक लंगर रोज़ाना की बुनियादों पे बनता था। ये आप देख सकते हैं ये गेट और ये बिल्डिंग है, कब्र नहीं है यहाँ पे। ये थी जनाब खैरुन्निसा का मकबरा, जो कि अब सिर्फ एक मॉन्यूमेंट है, यहाँ पे अंदर कब्र वगैरह नहीं है। और ये जो कब्रिस्तान है ये भी शाही कब्रिस्तान था, छोटा सा कब्रिस्तान है ये, इसके पास बिल्कुल लकब में। तो यहाँ पे भी कुछ जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक तो यही है कि यहाँ पे कुछ शाही लोग दफन हैं, जैसे मिनिस्टर्स वगैरह उनकी कब्रें हैं ये। इसी के बिल्कुल पास जिप लाइन बनी है,
जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं। इधर से मुझे तारे नज़र आ रही हैं उनकी, लेकिन मेरे पास आज इतना टाइम नहीं है कि मैं उस पर जाऊं। फिर किसी वक्त आएंगे तो आपको उधर भी लेक चलेंगे। रोहतास फोर्ट तो उस वक्त तक शेर शाह सूरी साहब फोत हो चुके थे, लिहाजा वो इधर कभी भी नहीं रहे। चलें आपको मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।